ये याद रखना साहब, ये मैदान कर्बला है, पानी बंद है, खाना बंद है, कोई दुनिया में इंसान जो बता दे कि मैदान कर्बला में हुसैन की एक वक्त की नमाज कजा हुई हो, एक दिन कुरान की तिलावत बंद हुई हो, यजीदियों की जब कुछ न चली तो यजीदी लड़ने को तैयार हो गए। इमाम आली मकाम ने कहा दसवीं मुहर्रम की रात आने वाली है, नवीं मुहर्रम का सूरज डूबने वाला है। इमाम ने कहा अब्बास कलमदार जरा यजीदियों से पूछिए मामला क्या चाहते हैं। यजीदियों ने कहा आका हुसैन से कहिए हम जंग चाहते हैं। आका हुसैन की मोहब्बत देखो, कहते हैं अब्बास यजीदियों के पास जाइए और जाकर यजीदियों से कहिए, कहिए यजीदियों मेरे आका हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहे। कितनी रात की? एक एक उंगलियां उठाकर सब बोल दे कितनी रात की? एक रात की मोहलत चाहिए। हुसैन कर्बला से भागने की इजाजत नहीं मांग रहा है, हुसैन कर्बला से वापिस जाने की इजाजत नहीं मांग रहा है, हुसैन को एक रात की मोहलत चाहिए। हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात नमाज में गुजर जाए। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात कुरान की तिलावत में गुजर जाए। सुनो याद रखना दुनिया वालों, हुसैन को भूख लगी है मगर यजीदियों से खाना नहीं मांगा, हुसैन को प्यास लगी है मगर यजीदियों से पानी नहीं मांगा। अगर आका हुसैन कुछ मांग रहे हैं तो खुदा की बारगाह में सर झुकाने की मोहलत मांग रहे हैं, अपने मालिक को मौला को राजी करने की मोहलत मांग रहे हैं। जरा हम भी अपनी जिंदगी पे गौर करें, अरे हुसैनियों क्या तुम्हारी तबीयत नहीं करती कि तुम भी जिंदगी में एक रात वैसी खुदा से मांगो जो रात इमाम हुसैन ने कर्बला में मांगी थी। कर्बला में मांगी थी, अपने बच्चों को बैठाओ और बैठा करके नवी मुहर्रम को बाद नमाज मगरिब इज्तेमाई फातिहा करो और बैठाओ और अपनी बेटियों के सामने कभी सुगरा का किरदार पेश करो, कभी सकीना का किरदार पेश करो, कभी हजरत अली अकबर और औलो मोहम्मद का किरदार पेश करो। बच्चों आज थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन देख कर्बला में परेशानी नहीं बल्कि जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर हुसैन के घर का बच्चा बच्चा बहादुर है, नबी के घर का बच्चा बच्चा बहादुर है, बच्चा बच्चा बहादुर है। अल्लाह अल्लाह यजीदी मान गए, आका हुसैन खेमे में आए, चराग बुझा दिया, इतने बहादुर इमाम हुसैन यजीदी 22,000 लश्कर जमा करने में लगे हैं और इमाम हुसैन चराग बुझाते हैं, कहते हैं हुसैनियों तुम जो मेरे साथ यहाँ तक आए ये तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, अब तुम चाहो तो यहाँ से वापिस जा सकते हो, मेरे अहले बैत के एक एक फर्द को ले लो और वापिस चले जाओ, हुसैन कभी शिकवा नहीं करेगा, तुमने जो मुझसे मोहब्बत की, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, मेरे साथ सफर की सौबतें बर्दाश्त करके तुम कर्बला आए, ये सारी तुम्हारी मोहब्बत मुझे कबूल है। अल्लाह अल्लाह साहब कैसे थे वो हुसैनी, उन 72 फूलों में एक भी कांटा नहीं था। सारे हुसैनी बोल पड़े आका हुसैन आपके बगैर हमारी जिंदगी किस काम की, हम आए आपकी मोहब्बत में है, ये जान रहे या चली जाए आका अगर जिंदा है तो आपके कदमों में जिंदा रहेंगे, हमारी जिंदगी आपके कदमों में कुर्बान होगी। सुनो मेरे आका हुसैन का खुतबा, चराग को रोशन करते हैं, कहते हैं हुसैनियों अगर जाना नहीं है तो ये समझो हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, आज की रात जी भर कर कुरान की तिलावत कर लो, आज की रात जी भर कर इबादत कर लो। हुसैनी नवी मुहर्रम का दिन गुजार कर दसवीं की रात इबादत में गुजार रहे हैं, रोजा और ये तिलावत और ये इबादत बता रही है। अरे हुसैनियों जब मुहर्रम का महीना आए नवी मुहर्रम के रोजे को न भूलना, दसवीं मुहर्रम के रोजे को न भूलना, घर भर रोजा रहना, इज्तेमाई इफ्तार का इंतजाम करना। बताना कर्बला में हुसैन ने हमें ये दस दिया है, कर्बला में इमाम हुसैन ने हमें ये तरीका दिया है। रात गुजर रही है, सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाती है, भैया हुसैन आज की रात बड़ी कठिन है, कटने का नाम नहीं ले रही है। इमाम आली मकाम कहते हैं मदन ज़ैनब हम उस माँ के बेटे हैं जिसे दुनिया से ज़्यादा खातून जन्नत कहती है। अल्लाह अल्लाह जब बात बाकी है ना इमाम हुसैन के अम्मी और अब्बू जान की तो मेरा दिल भी कहता है और आपका भी दिल कहता है। साहब क्या जोड़ी थी कायनात में, क्या जोड़ी थी सरकार और आए कायनात और सैयदा खातून जन्नत की, दूल्हा खुदा के घर में
पैदा हुआ है और दुल्हन रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई है। आप इसका सोच सकते हैं ऐसा इंतजाम खुदा ने।